नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई सऊदी अरबिया से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, कुछ अफवाहें चल रही हैं सऊदी से रिलेटेड, और भाई अफवाहें फैलाने वाले कौन हैं? हम जैसे लोग ही हैं। ये समझ सकते हैं कि हमारे भाई लोग हैं जो सोशल मीडिया पे गलत अफवाह फैला के, कुछ उनको लगता है कि हम गलत अफवाह फैलाएंगे, हमारा वीडियो ज़्यादा वायरल होगा, हमारे लोग ज़्यादा वीडियो देखेंगे, या हमें ज़्यादा मतलब वगैरह वगैरह। लेकिन उन मूर्खों को ये नहीं पता लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि एक बार आप बेवकूफ़ बना के क्लिक बेट करोगे, गलत थंबनेल लगा के वगैरह वगैरह, लेकिन नेक्स्ट टाइम कौन देखेगा आपको वीडियो, सोचने की बात है। डिटेल से बात करेंगे कुछ अफवाहों के बारे में कि भाई सऊदी की फ़्लाइट, सऊदी ने 3 साल के लिए लोगों को बैन कर दिया, काफी सारे लोग हैं जो सऊदी आए हुए छुट्टी हैं वो दोबारा नहीं जा सकते 3 साल के लिए। डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें। विदेश से रिलेटेड, गल्फ कंट्रीज से रिलेटेड सही जानकारी मिलती रहे। तो पहले बात कर लेते हैं भाई सऊदी की फ्लाइट अपडेट के बारे में। जानकारी लेने से पहले बता दूं सऊदी अरबिया में कोरोना का क्या अपडेट है। कोरोना से रिलेटेड हम बात करें तो बता दूं अभी सऊदी अरबिया में 8 सितंबर की अगर डेट की बात करें तो 322,237 लोग अभी तक कोरोना केस में पॉजिटिव पाए गए हैं, और अगर डेथ की बात करें तो 4,137 लोगों की अभी तक डेथ हुई है। जी हाँ, 7 सितंबर 2020 तक की बात करूं, रिकवरी की बात करूं 298,246 लोगों को अभी तक रिकवरी कर लिया गया। जी हाँ, यानी ये मान सकते हैं लगभग 3 लाख लोगों के करीब रिकवरी हो चुकी है, तो पेंडिंग केस ज़्यादा नहीं है। जी हाँ, और भाई डिस्चार्ज भी अच्छे हैं, 298,000 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं, तो लगभग आप मान सकते हैं 24,000 के समथिंग केस अभी तक पेंडिंग है सऊदी अरबिया में। ज़्यादा नहीं, इतनी बड़ी कंट्री यार, 24,000 केस मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा है। डेथ रेशियो की बात करें तो 1% डेथ रेशियो है, तो कुल मिला के ठीक है। अभी सऊदीया का क्या है सिस्टम बता दूं, अभी कोरोना केस भी डाउन होते जा रहे हैं, आपने देखा होगा 1,000 से ठीक है डाउन चल रहा है। तो भाई डाउन होने का मतलब हम समझ सकते हैं कि फ़्लाइटों के बारे में सरकार सोचे जल्दी स्टार्ट कर दे। लेकिन इसी सोच के साथ में बता दूं बहुत सारे काफ़ी सारी न्यूज़ या फिर आर्टिकल पे ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो लोग सऊदी अरबिया छुट्टी गए थे उनको अभी सऊदी नहीं जा सकते, 3 साल का सऊदी सरकार ने बैन लगा दिया है, फ़्लाइटें चालू नहीं करेंगी वगैरह वगैरह, इस तरह की न्यूज़ आ रही है। तो लोगों को भाई टेंशन तो होगी, क्योंकि जो आदमी मजदूर आदमी अपने घर पर आया था पहले से परेशान है, 6 महीने की छुट्टी हो गई, 7 की हो गई, बैठा है वो सोच रहा है, तिकड़म लगा रहा है कि किस तरह से सऊदी पहुँच जाएँ ताकि हमें अपने जॉब पे स्टार्ट अपनी कंपनी में पहुंच के जॉब लग जाएं। ऊपर से ये बम लोग फोड़े जा रहे हैं, झूठ, यानी झूठ का बम है ये, समझ सकते हैं, अफवाहें हैं, 3 साल के बैन लगा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडियन एयरलाइंस ने भी अपने ट्वीट के माध्यम से बताया कि भाई ऐसी कोई भी सूचना नहीं है कि 3 साल के लिए बैन कर दे। भाई सऊदी 3 साल के लिए बैन करेगी तो उनका काम कैसे चलेगा? ये मान सकते हैं ना कि इंडियन वर्कर या कोई भी वर्करों की वजह से उनका पूरा सिस्टम चला हुआ है। इंडिया के कितने 20-25 लाख लोग तो इंडिया के बैठे हैं, अगर वो दिक्कत तो होती है ना सबको, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं अगर आपके टच में हैं तो उनके अगर पास में हैं तो थप्पड़ मारो, मेरा तो कहना यही है, अगर दूर हैं तो भाई क्या कर सकते हैं, उनको गालियां दे सकते हैं जो ऐसी झूठी न्यूज़ फैला रहे हैं। और ये हमेशा नोट करें भाई, जो झूठ न्यूज़ वीडियो देख लो, आर्टिकल देख लो, उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं यार। मुझे ये बात तो मैं देखता रहता हूँ सिस्टम में, लोगों को देखता हूँ कि जो इस तरह की जो मतलब जो है ही नहीं वो सिस्टम में बताते हैं लोग वीडियो के माध्यम से, उन लोगों को पता नहीं लोग भाग भाग के दौड़ दौड़ के जाते हैं उनके चैनलों पे, देखते हैं अरे वाह भाई इसने तो सही बताया। सच्चाई के साथ जो वीडियो होते हैं उनको लोग कम देखना पसंद करते हैं, जबकि थोड़ा सा बचें, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, जो सच है उनको साथ दें, उनको देखें, चाहे आप कहीं से भी आप फॉलो करते होंगे, किसको भी फॉलो करते होंगे, थोड़ा इस बात का ध्यान रखें। बस ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह टॉपिक पे। जय हिंद, वंदे मातरम।